स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगुइन के यूट्यूब चैनल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिस इंसान को अंधेरा से डर लगता है, बंद जगहों से डर लगता है, जो इंसान शराब नहीं पीता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, जो इंसान कुख्यात होता है प्रख्यात होता है उसको क्या बोला जाता है, और इस तरह के तमाम आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 बार 11 बार 6 बार 7 बार SSC और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे जाकर जरूर देखिएगा। देखिए आपका पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैं आपको समझाऊंगा लिखाऊंगा भी। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कि एक मतलब बंद जगह में रहने का डर। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, कोई अगर बंद जगह है, अगर आपको उसमें बंद कर दिया जाता है तो उसको दोस्तों उस डर को हम लोग बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए इसमें एक शब्द आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। किसी भी शब्द के अंत में अगर फोबिया लगा है, फोबिया का मतलब होता है दोस्तों डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे बोलते हैं दोस्तों डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया का मतलब होता है शराब से डर। दोस्तों क्या होता है? शराब से डर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक्वाफोबिया कहते हैं या हाइड्रोफोबिया कहते हैं तो वो वाटर से डर होता है दोस्तों। तो फोबिया का अर्थ होता है डर, ठीक है। दूसरा दोस्तों इधर से मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए वेल नोन फॉर बीइंग बैड, दोस्तों जो लोग मतलब बुरे होने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। देखिए जीवन में इंसान दो तरह से प्रसिद्ध होता है, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके। जो इंसान बुरा काम करके प्रसिद्ध होता है उसका भी नाम होता है, जो अच्छा काम करके प्रसिद्ध होता है उसका भी नाम होता है। बुरा काम करके प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति को नोटोरियस बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है? नोटोरियस। और दोस्तों जो व्यक्ति अच्छा काम करके प्रसिद्ध होता है उसे हम लोग एमिनेंट बोल सकते हैं या दोस्तों प्रोमिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है टू गिव अप वन्स थ्रोन, आपका जो रेन है, जो आपका राज है, उसकी जो प्रत्याग किया जाता है। कोई राजा अगर अपना वो पद छोड़ देता है या अपना जो उसकी गद्दी है वो छोड़ देता है उसको दोस्तों एबडिकेट कहते हैं। एबडिकेट, ABDICAT। और दोस्तों इसके सिनोनिम्स में याद रखिएगा एबेंडन भी हो सकता है, फोरगो भी हो सकता है और दोस्तों रिनाउंस भी हो सकता है। ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। अगला है हार्ड बट इजिली ब्रोकन, कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठोर हो लेकिन आसानी से टूट जाए। हाँ दोस्तों बहुत कठोर होने के बाद वो टूट भी जाता आसानी से, तो ब्रिटल। क्योंकि कहा जाता है जो अकड़ा हुआ चीज होता है उसे तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन जो फ्लेक्सिबल चीजें होती है उसे तोड़ना बड़ा कठिन होता है। जैसे केला का देखिए फ्लेक्सिबल होता है लेकिन जो स्टीफ हार्ड आता है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगला है ए पर्सन हु ड्रॉज मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को ड्रॉ करता है, चित्रित करता है, उसे दोस्तों कार्टोग्राफर कहा जाता है। और कार्टोग्राफी आपका एक प्रोसेस होता है जिससे मैप को बनाया जाता है, ठीक है। अगला है ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, एक ऐसा व्यक्ति जिसको तीव्र इच्छा हो चोरी करने का, उसमें एक इच्छा जगे तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है स्टील करने का, ठीक है। अब दोस्तों ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, देखिए मैनिया या मानिया जिसको कहा जाता है वैसे मैनिया ही कहा जाता है, तो उसमें दोस्तों उसका मतलब हुआ, अगर मैंने बोला मैनिया उसका मतलब होता है मैडनेस। जैसे मैंने यहां आपको बोला था डिप्सोफोबिया, अगर मैं यहीं पर बोल दूं डिप्सोमेनिया, इसका मतलब हुआ कि शराब के लिए पागलपन, शराब कोई पिलाए तो जहन्नुम में भी चले जाए इंसान, ठीक है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं। देखिए ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को महिलाओं से नफरत करता है उसे हम लोग मिसोजेनिस्ट या मिसोजेनिस्ट कहते हैं। आप जो कंफर्टेबली सुने होंगे स्पेलिंग में वही आपके लिए सही है, ठीक है, क्योंकि आप वहां शशि थरूर बनने नहीं जाइएगा, बाकी आप सुधार लीजिएगा बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल है उसके लिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इधर आपको दिख रहा होगा, मैं इसे मिटा दूंगा इसे। इसमें दोस्तों एक है मिज़ोगैमिस्ट, जिसका मैं मतलब आपको बता देता हूं। मिज़ोगैमिस्ट का मतलब दोस्तों होता है जो कि शादी से नफरत करता है। एक होता है दोस्तों आपका मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप का मतलब दोस्तों होता है जो कि आपका ह्यूमन काइंड से नफरत करता है, उसे मिज़ेंथ्रोप कहते हैं। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम आपको डिटेल जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, बहरहाल इसमें हम शांत रहना चाहेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक शब्द और मैं बताता हूं आपसे, पूछता हूं बताइए एंड्रोमेनिया का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अगला जो वर्ड है ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक,
एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता या पसंद नहीं करता है या उससे नफरत करता है, अल्कोहल से वो दूर रहता है। तो दोस्तों हम इस उसको टीटोटलर कहते हैं। टीटोटलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा इंसान जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? टीटोटलर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक ऐसा इंसान जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है उसको टीटोटलर कहा जाता है। अगला है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। कोई छूट तो नहीं गया? नहीं, ये छूट गया। नंबर एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय सेल्फ। देखिए जब कोई व्यक्ति कोई चीज अपने बारे में लिखता है खुद से तो उसको दोस्तों हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसका क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। लेकिन दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के जीवन को कोई दूसरा व्यक्ति चित्रित करता है तो उसको बायोग्राफी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहता है और वाटर में भी रहता है उसको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे मेंढक आप ले लीजिए, लैंड पे भी रहता है वाटर में भी रहता है, एम्फीबियन। ओके, अगला है ए थिंग फिट टू बी टेल। एक ऐसा चीज जो खाने योग्य है उसको इडेबल कहते हैं। या आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे। इडेबल माने क्या होता है? जो चीज खाने योग्य हो। ठीक है, अगला है वन हु सीज ब्राइट साइड। दोस्तों अगर कोई इंसान किसी चीज का पॉजिटिव भाग देखता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन दोस्तों उसको दूसरे शब्द में आशावादी भी कहा जाता है। जैसे मेरा चैनल का नाम है थिंक सैंग्विन, तो सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं यहां सैंग्विन भी लिखना चाहूंगा। जो ब्राइट साइड देखता है लाइफ में उसको सैंग्विन कहा जाता है या दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब दोस्तों होता है आशावादी, जो कि पॉजिटिव साइड देखता है नेगेटिव चीज होने के बावजूद भी। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन को कलेक्ट करता है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्टडी ऑफ और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट। देखिए दोस्तों एक ऐसा डॉक्टर जो हार्ट के बारे में अध्ययन करता है या उसका ट्रीटमेंट करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्योंकि एक रूट वर्ड है कार्डिया, जिसका मतलब हार्ट होता है, और कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो आपका दिल का डॉक्टर हो। लेट मी चेक द कैमरा, एवरीथिंग इज फाइन। तो दोस्तों क्लियर है, कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब दोस्तों होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ट का इलाज करता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ट्रीटमेंट करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए कुछ चीज मैं आपको और बताता हूं। देखिए एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा डॉक्टर, आप कहिए व्यक्ति छोड़ दीजिए, एक ऐसा डॉक्टर जो कि आपके स्किन का देखरेख करता है उसका इलाज करता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक ऐसा डॉक्टर दोस्तों जो आपके आंखों का इलाज करता है या सर्जरी करता है उसे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। एक ऐसा डॉक्टर दोस्तों जो आपके आई ग्लासेस को ग्राइंड करता है उसको ठीक करता है दोस्तों उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। जो मेजर करता है उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट, और जो उसको ग्राइंड करके कंप्लीट करता है उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसी मतलब डॉक्टर आप कह सकते हैं जो कि महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले प्रेगनेंसी के बाद तक देखरेख करती है उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं आपका ऑब्स्टेट्रिशियन। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे पेडागॉग। पेडागॉग एक डॉगमेटिक टीचर को पेडागॉग बोला जाता है। डेमागॉग दोस्तों किससे बोला जाता है? एक ऐसा जो पॉलिटिशियन जो कि लोगों को भड़काए वोट के समय, उसको उत्तेजित करे और वोट होने के बाद वो अपना गाड़ी में चुपचाप शीशा ऊपर करके चले जाए, उस तरह के आपके जो पॉलिटिशियन होते हैं उसको हम लोग दोस्तों डेमागॉग बोलते हैं। कई सारे शब्द हैं बट अभी चर्चा नहीं करेंगे, मूल शब्दों पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। दोस्तों जब दिमाग का सारा बत्ती गुम हो जाए उसे कहा क्या कहा जाता है? आधा या पूरा गुम हो जाए उसे दोस्तों एमनेसिया कहा जाता है। इट इज अ काइंड, मैंने गलत लिख दिया, नहीं सही है। ठीक है, एमनेसिया ऐसे लिखा जाता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ए एम एन ई एस आई ए, एमनेसिया। मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, एक ऐसा दवा या एक ऐसा मेडिसिन जो कि कोई पॉइजन अगर फैल गया उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों उसको एंटीडॉट कहते हैं। आपको अगर क्रिस 3 मूवी देखे होंगे उसमें एक पॉइजन फैला दिया जाता है, ठीक है, काल के द्वारा, जिसको क्रिस के पिताजी और वो दोनों मिलकर के एंटीडॉट तैयार करते हैं जिससे सभी लोगों को बचाते हैं। एंटीडॉट का मतलब एक मेडिसिन होता है जो नलीफाई करता है क्या चीज, कोई पॉइजन को। लिख देता हूं एंटीडॉट। ठीक है दोस्तों, और इससे पीछे में मैंने पनेसिया चर्चा किया था रामबाण को लेकर। काउजिंग और एंड इन डेथ। ठीक है, मतलब कि जो डेथ का मेन कारण बने उसको दोस्तों घातक कहा जाता है, फैटल। ठीक है, फैटल माने घातक। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ वर्ड देता हूं उसे आप घर से कंप्लीट करके लाइएगा, आपका ये होमवर्क रहेगा।
ठीक है, या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो। सबसे पहला वर्ड है कैंडिड, उसके बाद है दोस्तों दूसरा कैंटेंकरस, उसके बाद तीसरा है दोस्तों डेमागग, उसके बाद दोस्तों है पेडागग। ये चार शब्द मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप घर से कंप्लीट करके लाइएगा। वीडियो कैसा लगा अंत में हमें जरूर बताइएगा, और इसी तरह के कई सारे वीडियो मैं आप तक लेकर आऊंगा। थोड़ा सा लाइट एडजस्टमेंट में अगर कोई त्रुटि रह गई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिल से शुक्रिया आप इतना समय दिए इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत। इससे और बेहतरीन वीडियो हम और ज्यादा समय कर आप तक लेकर आएंगे, जिससे आपका समय पूरी तरह से इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों अब मैं इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।